तो हेलो दोस्तों, एशिया कप 2023 से पहले फिक्सिंग में फंसा ये दिग्गज क्रिकेटर कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक। तो दोस्तों, एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से हो रही है। पाकिस्तान की मेजबानी में इस बार ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जा रहा है। 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे जबकि 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी 6 टीमें काफी उत्साहित हैं, खासकर पहली बार भाग ले रही नेपाल की टीम। इसी बीच एक फिक्सिंग के केस में एक क्रिकेटर पर कोर्ट ने देश छोड़ने से रोक लगा दी है। आइए जानते हैं कौन है वो क्रिकेटर। तो दोस्तों, एशिया कप 2023 के 9 मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं। इसी बीच श्रीलंका की एक अदालत ने पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी सचित्रा सेनानायके पर विदेश यात्रा करने से रोक लगा दी है। अदालत ने सेनानायके की विदेश यात्रा पर 16 अक्टूबर 2023 तक बैन लगाया है। रिपोर्टरों के मुताबिक फिक्सिंग में फंसे सेनानायके पर जांच चल रही है, इस वजह से उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि प्रतिबंध 14 अगस्त को लगाया गया था। सचित्रा सेनानायके पर लंका प्रीमियर लीग 2020 के दौरान फिक्सिंग का आरोप लगा था। उन पर 2 मैचों के दौरान 2 खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग प्रकरण में शामिल करने का आरोप है। वे श्रीलंका के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन पर नए नियमों के अनुसार फिक्सिंग संबंधी आरोपों की जांच चल रही है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी फिक्सिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल का प्रतिबंध या फिर 9 मिलियन रुपए या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। 38 साल के सचित्रा सेनानायके ने श्रीलंका की तरफ से 2012 से 2016 के बीच 1 टेस्ट, 49 वनडे और 24 टी20 मैच खेले हैं। इस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट में कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन वनडे में उनके नाम 53 और टी20 में 25 विकेट दर्ज हैं। वे आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल चुके हैं। आईपीएल में वे 8 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने 2016 में संन्यास ले लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।